सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अगर आपके साथ कोई घटना घटी है जो कि आप मुझे बताना चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर सेंड कर दो, ताकि मैं आपकी स्टोरी को सुना सकूं। इससे मुझे भी खुशी मिलेगी और आपको भी। वेल, इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ये बात उन दिनों की है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। साल था 2013। जनवरी के महीने में मुझे मेरे एक दोस्त, जो कि एक सिंगर भी है, का फ़ोन आता है और वो मुझसे कहता है कि तुझे इस बार बिहार जाना ही होगा। इस बार कोई टाल मटोलबाजी नहीं चलेगी। इस बार तू कुछ भी कर और वहाँ पर जा और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तेरा एहसान होगा। अरे भाई, तू क्या ये एहसान की बात करने लग गया? दोस्ती में इन सब बातों की जगह नहीं होती। मैं अभी तक चला गया होता, लेकिन नहीं मालूम कि तूने जब से वहाँ जाने को बोला है, तब से मैं कई बार वहाँ जाने का प्लान बना चुका हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है कि जाना हो ही नहीं पाता। मेरा दोस्त मुझे अगस्त 2012 से बार बार बिहार जाने के लिए बोलता हुआ आ रहा था। खैर, इस बार मैं जिस समय मनकर का फ़ोन आया था, मनकर मेरे दोस्त का नाम है, उस दौरान मैं माँ तारा की साधना के अंतिम दौर में था। उसके दो दिन बाद ही मेरी साधना संपन्न हुई और अचानक से मेरे मन में आया कि अब मुझे वहाँ पर चलना ही चाहिए। और फिर मैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन निकल पड़ा टिकट बनाने के लिए। टिकट कन्फर्म मिल गया था आसनसोल वीकली एक्सप्रेस का। ठीक 3 दिन के बाद मुझे पटना के लिए चलना था। मानकर को फ़ोन करके उसके रिश्तेदार का मैंने नंबर ले लिया, जिनके घर पे मुझे जाना था। मानकर ने मेरे बारे में सारी डिटेल्स पहले ही अपने मामा को बता दी थी। शाम 6:30 बजे को ट्रेन हबीबगंज स्टेशन पहुंची। सीट कंफर्म होने से किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हुई। आराम से साइड ऊपर बर्थ पर बैठकर चाय वाले से एक चाय और बैग से आज का पेपर निकालकर पढ़ने लगा। उस वक्त आज के वर्तमान समय के अनुसार मोबाइल का ज़माना नहीं था, जो कि कोई भी फ़ोन निकाले और मोबाइल पर अपना टाइम पास करने लगे। वह वक्त तो एक चाय की चुस्की और पेपर पढ़ने का था, जिसमें एक अलग ही आनंद आता था, अलग ही मज़ा था उसका एक। खैर, धीरे धीरे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ते हुए गंतव्य की ओर बढ़ने लगी और दोपहर 2 बजे के आसपास ट्रेन पटना जंक्शन पहुँच गई। ये मेरा जीवन का पहला अवसर था जो कि मैं बिहार जा रहा था। पटना से आगे लगभग 90 किलोमीटर दूर मुझे मोकामा जाना था, जहां से मैं पटना जंक्शन से मोकामा के लिए एक लोकल ट्रेन पकड़कर शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास मोकामा जंक्शन उतर गया। वहां पर पहले से ही मानकर के मामा जी मेरे आने का इंतज़ार कर रहे थे। बोगी नंबर उनको पहले बता दिया था, तो जैसे ही ट्रेन खड़ी हुई, मेरी बोगी से थोड़ा पीछे ही मुझे मामा जी दिखाई दे दिए। उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया और मैं समझ गया कि ये वही हैं। उसके बाद उन्होंने मेरा बैग उठाया और हम लोग साथ में चलने के लिए निकलने लगे। मोकामा स्टेशन देखने से ऐसा लग रहा था कि मैं मानो 1970-80 के दशक में पहुंच गया हूं, क्योंकि जनवरी का महीना था और वहां गजब की ठंड पड़ रही थी। इंसान को इंसान तक नहीं दिख रहा था स्टेशन के बाहर। बाहर की साइड स्टेशन का साइकिल स्टैंड था, जहाँ पर एक गर्म चाय के साथ 2 बाटी का भोग हमने पेट महाराज को लगा दिया। मामा जी कहने लगे कि ले बेटा, यहाँ कुछ नाश्ता मत करो। 7 किलोमीटर दूर ही हमारा घर नज़दीकी पर है, 10-15 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। मैंने कहा, नहीं मामा जी, मैं ट्रेन में वैसे भी कुछ नहीं खाता हूँ और भूख जोरों की लगी है, इसीलिए पेट पूजा तो ज़रूरी है, फिर आपके घर की पूजा बाद में करेंगे। ऐसा कहते हुए मैं ठहाका मारकर हंसने लगा। ठीक 15 मिनट बाद ही हमारी कार एक घर के सामने रुकी। घर नहीं, वो बंगला था। देखते ही एक अजीब सा एहसास, एक सिरहन सी मेरे शरीर में दौड़ने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अंग्रेज के ज़माने का बंगला हो। रास्ते में मामा जी से बात करते हुए मुझे पता चला कि उनका जो घर है वो लगभग 150 से 200 साल पुराना है और उनके पूर्वजों ने उसे बनाया था। घर पहुँचते ही परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, उनको मालूम था कि कोई पंडित या तांत्रिक आ रहे हैं, लेकिन जब उनके परिवार के सभी सदस्यों ने मुझे देखा, तो मुझे देखकर शायद वो विश्वास नहीं कर पाए कि वह महाराज, वो पंडित
22-23 साल का एक लड़का है। खैर जो भी हो, मानकर ने बताया तो अवश्य इस लड़के में कोई खास बात होगी। ऐसा मानकर बाकी लोग शांत रहकर मेरी सेवा में लग गए और मुझे बंगले के उत्तर दिशा की ओर एक पर्सनल रूम दे दिया गया। अब लगभग मुझे एक हफ्ते तक इस रूम में रहना था, तो मैं अपने बैग से सारा सामान निकालकर एक बड़े से टेबल को सजाने लगा, क्योंकि ये बात तो मैं भी बहुत अच्छे से जानता था कि ऐसा कोई कारण है जिसके कारण से मानकर ने 4-5 महीने से पहले से मुझे लगातार बुला रहा था, लेकिन मैं हर बार किसी न किसी कारण से यहाँ आ नहीं पा रहा था। अब मुझे कुछ एहसास करने को तैयार रहना था। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं सन 2013 तक कोई बड़ा तांत्रिक नहीं था, या फिर मुझे कोई बड़ी सिद्धि प्राप्त उस वक्त तक नहीं हुई थी। यह तो मेरी शुरू से ही तंत्र की ओर इच्छा थी, जिसके कारण मैं जहाँ से भी मुझे कोई तंत्र मंत्र से रिलेटेड काम आता था तो मैं वहाँ चला जाता था और अपने थोड़े बहुत ज्ञान से उनको मदद करने की कोशिश करता था। इससे ये फ़ायदा मुझे भी होता कि मैं जहाँ कहीं भी जाता तो मुझे वहाँ पर जो भी तंत्र मंत्र का ज्ञान मिलता मैं उसे बटोरने की कोशिश करता। इसी सीखने की राह में मैं अनेक जगह पर गया, वहाँ पर तंत्र मंत्र प्रयोग करे, टोटके प्रयोग करे। कोई मुझे तांत्रिक बुलाए मुझे अच्छा ही लगता था, मुझे मन में कभी बुरा नहीं लगा। कई बार मेरे दोस्त भी कहते कि क्या यार अभिनव, तू तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और साथ में सब पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, इन दोनों चीज़ों कोई मेल नहीं है। मैं उन्हें हंसी मजाक में कह देता था कि एक दिन ज़रूर आएगा जब तुम लोग मुझे अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाओगे। खाना पीना खाते खाते रात के 10:30 बज चुके थे। खाना खाने के बाद छत के ऊपर मैं टहलने के लिए मामा जी के साथ गया। टहलते टहलते उन्होंने अपने घर की सारी परेशानी मुझे बताई, जिनके अनुसार घर अंग्रेजों के समय का है और उनके दादा, परदादा और उनके पहले की पीढ़ियाँ भी उस गांव क्षेत्र में ज़मींदारी करते आए हैं। उनकी यही कोई 1500 एकड़ की ज़मीन थी, जो कि वर्तमान में अब सिर्फ 105 एकड़ रह गई है। दादा परदादाओं के कलकत्ता से पटना तक गंगा में पानी के जहाज चलते थे। खूब रईस खानदान था उन लोगों का, लेकिन यही आज उस वर्तमान परिवार के लिए धीरे धीरे एक अभिशाप बनता जा रहा था। नहीं मालूम किसकी बद्दुआ लग गई, नहीं मालूम ऐसी क्या घटना घट गई उस घर में। धीरे धीरे उस घर में जन्म लेने वाला प्रत्येक लड़का एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती थी। युवावस्था में ही लगभग 35 से 40 के बीच में पिछले 50 सालों से उनके घर में 6 सदस्यों की मृत्यु हो चुकी थी। यह एक बड़ा कारण था जिसके कारण मानकर के मामा जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उनका लड़का गौरव, जिसकी उम्र अभी लगभग 32 की थी, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि पिछले कई सालों से जो हो रहा था वो नहीं चाहते थे कि वैसा दोबारा हो। इसी चीज़ की वजह से उस घर में पैदा होने वाले प्रत्येक लड़के की शादी भी ठीक 18 साल के बाद करा दी जाती थी, ताकि जल्द से जल्द वह अपनी भावी पीढ़ी के लिए संतान पैदा कर सके और कुछ वक्त उनके साथ गुजार सके। वर्तमान में मानकर के मामा जी विनय महतो के 5 बच्चे, 3 लड़के और 2 लड़कियां थी। बड़ा लड़का 32 साल, मंझला 26 साल और सबसे छोटा 20 साल का था। तीनों की शादियां भी हो चुकी थी। विनय महतो को अब बड़े लड़कों की चिंता सताने लगी थी। उसके लिए उसने न जाने कहां कहां से तांत्रिक पंडित और ओझा बुलाए थे, लेकिन उस घर में आने के पहले ही उनका एक्सीडेंट हो जाता था या तो वो बीमार पड़ जाते थे। अब तो विनय महतो की हिम्मत भी हार चुकी थी। इसी बीच मानकर ने अपने मामा को मेरे बारे में बताया होगा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। उनकी बातों से एक बात स्पष्ट झलक रही थी कि यह लड़का सकुशल यहाँ तक आखिर कैसे पहुँच गया, क्योंकि यहाँ तक तो अच्छे भी नहीं पहुँच पाए। विनय महतो बताने लगे कि उनकी लड़की, जिसका नाम अवनी है, वो भी काफ़ी सालों से अनिद्रा से परेशान है। पटना और दिल्ली तक इलाज करा दिया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। और हाँ, उसे सिगरेट की स्मेल हमेशा आती रहती है। एक बार तुम उससे बात करना, मैं कल सवेरे अपनी बेटी को बोलता हूँ कि वो तुमसे अपनी सारी परेशानी बताए। चलो, अब काफ़ी रात हो चुकी है, तुम भी आराम कर लो, सवेरे मिलते हैं, बोलकर विनय जी वहाँ से जाने लगे। कल की थकान के कारण मैं सुबह 8 बजे तक सोता ही रह गया। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर पूजन संपन्न करके मैं बाहर बरामदे में आकर बैठ गया।
मुझे देख अवनी, जो कि विना जी की लड़की थी, नाश्ते का प्लेट ले आई। कुछ देर बाद पुनः अवनी चाय के साथ आई, एक कप मुझे और एक कप खुद लेकर कहती है, पापा ने आपसे बात करने को कहा है, कुछ बातें तो उन्होंने आपको बताई होंगी। मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं आपसे सारी बातें फिर से सुनना चाहूँगा। फिर वो बताने लगी, पिछले 2 सालों से मेरे साथ कुछ अजीब सा होने लगा है। मैं जो सामान जहाँ रखती हूँ वो वहाँ से गायब हो जाता है। कभी बाथरूम में रखी हुई साबुन गायब हो जाती है, कभी कंघी गायब हो जाती है, कभी पहने हुए कपड़े गायब हो जाते हैं, कभी कोई श्रृंगार का सामान। उसके कहने का मतलब यह था कि उसका जो भी पर्सनल सामान था वो उसको उसके स्थान पे नहीं मिलता था जहाँ पर वो उसे रखती थी। ये सिलसिला उसके हिसाब से कई दिनों से लगातार हो रहा था, साथ ही साथ में उसे लगातार सिगरेट की स्मेल समय समय पर आती रहती थी। और यह स्मेल तब और ज़्यादा हो जाती जब वह अपने छत पर रात के समय टहलने के लिए जाती थी। एक बार तो रात में उसके शरीर पर उसे ऐसा एहसास होने लगा जैसे कि कोई उसके ऊपर चल रहा है। अंधेरे में उसकी आंखों के सामने उसे दो लाल लाल घूरती हुई आंखें उसे दिखी और उसके पूरे कमरे में अंधेरा सा हो जाता और उसके ऊपर भारीपन छाने लगता। स्थिति कुछ कुछ पैरालिसिस जैसी थी। शरीर में इस प्रकार की स्थिति का सामना करना उसे हमेशा करना पड़ता था। सुनने में ये बातें कुछ सामान्य सी प्रतीत होती हैं, लेकिन कहीं कुछ बातें बहुत ज़्यादा असामान्य सी भी थी, जो कि बहुत ज़्यादा रहस्यों से भरी हुई थी, जिनकी जड़ें अतीत में थी। अवनी इन बातों को कहती हुई काफ़ी विचलित दिखाई दे रही थी, और हो भी क्यों ना, ये घटनाएं जिसके साथ घटित होती है उसे ही मालूम होता है कि ये किस तरीके का बुरा दौर होता है। खैर, मैं उठा और बोला, आप अपने पिताजी को मेरी तरफ भेज दीजिएगा, हम आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर उपाय करेंगे। अवनी के जाने के बाद विना जी आते हैं और कहने लगे, आपको सब कुछ मालूम हो गया ना, अब आप कुछ करिए, मेरे परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकालिए। आज रात 10 बजे हम पूजा पर बैठेंगे, ध्यान रहे रात्रि 10 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही कोई घर में प्रवेश करे। हाँ, कुछ सामग्री लिखवा देता हूँ, इन्हें आप शाम तक अरेंज करवा लीजिए। सामान सामग्री तो मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन कुछ सामान मिलना इनके लिए नामुमकिन था, जैसे कि कफन का कपड़ा, मज्जा, सुअर का कलेजा, मुर्गी की कलेजी, कच्ची दारू, चिता की राख, शमशान का कोयला ताज़ा। विना जी कहने लगे, यह सब तो हम नहीं ला सकते। मैंने कहा कि आप मुझे शमशान लेके चलिए, हम सब कर लेंगे। शाम को हम गंगा किनारे के शमशान में गए और वहाँ पर एक जलती हुई चिता थी और डोम वहीं जलती चिताओं को सही कर रहा था कि लकड़ियाँ गिरे नहीं। चलने के पूर्व ही रास्ते में हमने देसी दारू के 2 पौवे खरीद लिए थे, जिसे हमको डोम को देना था ताकि ज़रूरत का सारा सामान की व्यवस्था वो हमारे लिए कर दे। मामा जी चिता से थोड़ी दूर ही रुके और मैं डोम के पास जाकर उसे सामान की लिस्ट देता हूँ और 200 रुपये के साथ दारू। इसे देखकर उसकी आंखें बिल्कुल चमक गई और कुछ ही देर में उसने सामग्री की थैली हाथ में दे दी और चला गया। शाम को 7 बजे तक हम लोग घर पहुंच गए। मामा जी ने जल्दी ही खाने पीने की व्यवस्था करवा दी ताकि रात्रि 10 बजे के बाद मैं अपना कार्य संपन्न कर सकूं। मैंने बोला कि मामा जी मुझे घर के सबसे पुराने कमरे में ले चलिए और साथ में अवनी को भी ले चलिए। अवनी को क्यों? वो इसलिए कि आज ही रात्रि में इस घर में उपस्थित सारी परेशानियों की जड़ तक जाना है। हो सकता है कि आज कार्य पूरा पूरी तरह से ना हो। मामा जी ठीक है कहकर सर हिला के चल दिए। तब तक मैं अपना आसन लगा के सामग्री को सामने रखने लगा। सामने सिंदूर से मैथुन चक्र बनाकर इंसानी खोपड़ी को रखा, सिंदूर से उसे तिलक लगाकर दोनों आंखों में तेलिया कपूर को जला दिया और आंखें बंद कर सर्वप्रथम गुरु ध्यान पूजन मानसिक रूप से संपन्न कर दिया, उनसे आज्ञा प्राप्त करी आगे की क्रिया को शुरू करने के लिए। शमशान भैरव का ध्यान रख के एक कटोरी में दारू को मैंने उड़ेला और भैरव को भोग अर्पित करा। तभी एक जोरदार सन्न की आवाज़ मेरे कानों में आई और मैं समझ गया कि काली शक्तियाँ अवरोध उत्पन्न करना शुरू कर चुकी हैं। तब तक मामा जी अवनी को लेकर आ चुके थे और दोनों के लिए मैंने सामने बैठने के लिए 2 आसन लगा दिए थे।
मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया और वे दोनों आसन पर बैठ गए। दोनों को मैंने सिंदूर से तिलक लगाया और दारू की कुछ बूंदें उनके ऊपर छिड़क दी। ऐसा करते हुए अवनी थोड़ा असहज हुई, लेकिन उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए मैंने भैंसासुर का आह्वान किया और भोग के रूप में सुअर की कलेजी का एक टुकड़ा नरमुंड की तरफ उछाल दिया। नरमुंड की तरफ टुकड़ा गिरते ही अदृश्य हो गया, जिसे ये दोनों देखकर आश्चर्य से भर गए। गण चले, गढ़वीर चले, डेथ पर चले कि भूत पर चले, इक्या मशान। मैं मंत्र को जपने लगा, सरसों के दाने खोपड़ी पर मारने लगा और कुछ ही देर में जिस कमरे में हम लोग बैठे थे वो भारी होने लगा और अवनि के शरीर में कुछ हरकत होने लगी। उसकी पुतलियां फैलने लगी और आंखें लाल होने लगी। कुछ ही समय में अवनि के आसपास एक काला सा बवंडर आने लगा और उस भंडारे के आते ही कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आना चालू हो गई। इसे देखकर मामा जी थोड़ा विचलित हो गए। उस बवंडर में एक काली परछाई दिखाई दी जो कि एक स्त्री और एक पुरुष की थी। अब तो बात समझ में आ गई थी कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उनके बीच में यही दुखारी शक्तियों का कारण है। अपनी तंत्र सिद्धि की सहायता से मैंने अब उन शक्तियों को अपने काबू में करने की कोशिश करी, पर मैं जैसे ही ये करता अवनि एक झटके में हमारे सामने ही बेहोश होकर गिर पड़ी। मामा जी डर गए और मुझसे बोले कि ये सब रोकना होगा। मैंने उनसे कहा, अगर हमने अभी इस क्रिया को रोका तो दोबारा यहाँ तक आना मुश्किल होगा, क्योंकि वो शक्तियाँ भी तब तक अपने आप को तैयार कर चुकी होंगी। अभी हम दोनों ये बात कर ही रहे थे कि एकदम से अवनि उठ के सीधी बैठ गई और उसके बाल इस वक्त उसके आगे की तरफ आ चुके थे, यानी उसका चेहरा ढका हुआ था। अवनि एकदम से एक भारी आवाज में बोलती है, अपनी बेटी को बचाना है तो उसे यहाँ से भगा दे। इतना बोलते के साथ ही अवनि के मुंह से खून की उल्टी हुई और वो एकदम से अपने पिता की गोद में बेहोश हो गई। अवनि के पिता इस घटना से हद से ज्यादा डर गए और उन्होंने कुछ समय के लिए इन सारी क्रियाओं को बंद करने के लिए कहा। मैं ज़्यादा उन पर दबाव नहीं बना सकता था क्योंकि उनकी मनोस्थिति मैं भी समझ रहा था, इसीलिए उस वक्त मैंने वहाँ से वापस आना ही सही समझा। पर कुछ चीज़ें जो कि मुझे शक्ति के बारे में पता चली वो यही कि वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि वो हर उस तांत्रिक पर अपना प्रभाव डाल रही थी जो कि वहाँ पर आने वाला था। पर मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ, लेकिन मैं फिर भी वहाँ तक पहुँचा और मैंने अपना काम शुरू भी करा, पर उसके बाद उसने एक बार फिर से विघ्न डाला। वहाँ से वापस आने के बाद मैं इस मामले के बारे में अक्सर सोचा करता था और कुछ टाइम तक मैंने इंतज़ार करा था कि अवनि के पापा मुझे वापस बुलाएंगे, पर कुछ समय के बाद मानकर ने जो मुझे बताया उसे जानकर मैं हैरान रह गया। मानकर ने बताया कि लगभग 6 महीने के बाद अवनि और उसके भाई यानी विनय जी के सबसे बड़े बेटे दोनों की ही मौत हो गई। यह घटना सुनकर मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया था। इस चीज़ को रोकने के लिए अपनी तरफ से मैं जो कर सकता था मैंने वो करा वहाँ रहकर, पर किसी भी चीज़ से मैं सफल एक बार भी ना हो पाया। और कुछ समय के बाद कुछ निजी कारणों से मुझे वापस गुजरात जाना पड़ा और इस बीच मेरा काफ़ी समय तक मानकर से संबंध टूट गया। फिलहाल आज के समय में भी मानकर से मैं संपर्क नहीं कर पाया हूँ क्योंकि उसका पहले वाला नंबर अब नहीं रहा, पर आशा करता हूँ कि मैं जल्दी उससे दोबारा बात करूँगा और उनके परिवार से बातचीत कर सकूँगा। ये कहानी मेरे एक दोस्त हैं जो कि सरका घाट से हैं, उनके एक रिश्तेदार ने ये घटना उन्हें बताई है जिनके साथ ये घटना घटी थी, इसीलिए मेरे दोस्त ने ये घटना मेरे से साझा करी है। तो ये घटना अब मैं आपको मेरे मित्र के चाचा जी की ज़ुबानी बताता हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं 6-7 साल का था। एक बार पड़ोस के गांव में किसी के यहाँ पर जागरण था। हमारे गांव और दावत वाले गांव के बीच में एक नाला था। पहाड़ों में रहने वाले लोग समझ रहे होंगे कि कैसे हिमाचल के ज़्यादातर इलाकों में गांव दूर दूर होते हैं। कुछ परिवार इस पहाड़ी पर बसते हैं तो कुछ सामने वाली में। खैर, मैंने जल्दी खाना खा लिया और वहाँ से जल्दी आने की ज़िद करने लगा। पापा और चाचा वगैरह
यानी कि बाकी ये पुरुष जल्दी घर लौट आए थे, मगर माँ, चाची और बुआ की इच्छा भजन कीर्तन करने की थी। मैं भी वहीं रुक गया, मगर जब सब बच्चे अपने अपने घर चले गए तो मैं वहाँ पर बोर होने लगा। मैं बुआ का बहुत लाडला हुआ करता था, ऐसे में बुआ ने ना चाहते हुए भी माँ और ताई को कहा कि मैं अप्पू को लेकर घर चली आती हूँ। सबने कहा कि कहाँ जाओगी अकेले, आजकल बाघ का भी खतरा है, थोड़ी देर में सब साथ चलेंगे। पड़ोस की महिलाएं भी वहाँ गई हुई थी और सुबह के प्रहर में सबका साथ लौटने का इरादा था, मगर मैंने कोहराम मचा दिया। ऐसे में बुआ ने टॉर्च ली और मैं उनके साथ साथ चलने लगा। घुप अंधेरा था, बरसात के दिन थे और खेतों के बीच से रास्ता। धान की खेती के लिए खेतों में पानी भरा हुआ था और मेढक टर्रा रहे थे। टॉर्च की रोशनी जब खेत के पानी पर पड़ती तो वे दूर तक तारों की तरह चमकने लगते। दो रास्ते थे तो हमने तय किया कि हम सामने वाले गांव से नीचे उतरकर नाला पार करके और फिर थोड़ी सी चढ़ाई को करने के बाद हमारे घर पर पहुंच जाएंगे। दूसरा रास्ता चौड़ा और साफ सुथरा था और नाले को पार करने के लिए पुल भी था, पर वो लंबा था, इसीलिए हमने छोटे वाले रास्ते को चुना, क्योंकि जो दूसरा रास्ता था उसकी दूरी पहले वाले से 3 गुना से भी ज़्यादा थी। बुआ का फैसला था कि शॉर्टकट से जाएंगे और नाला पार करके घर पहुंच जाएंगे। मैंने भी बुआ का हाथ पकड़ा और पतले से रास्ते में संभल संभल कर चलने लगा। जरा सी झुक होती तो पानी से भरे खेतों में जाकर गिरते हम लोग। जैसे ही खेत खत्म हुए हम ढलान से नाले में उतरने लगे। बरसात के दिन होने की वजह से नालों में पानी भी ज़्यादा था, इस बात का ध्यान बुआ को नहीं रहा था। खैर, जहाँ से हम आम दिनों में उस नाले को क्रॉस किया करते थे उसके पत्थरों के ऊपर से पानी बह रहा था। अब दूसरा रास्ता ये था कि या तो वापस चढ़कर जाओ और दूसरा रास्ता पकड़ो, या फिर नाली के साथ साथ थोड़ा नीचे चलो जहाँ शमशान घाट है। वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर इधर से उधर तक बिछाए गए हैं, उनके जरिए नाले को पार करना आसान होगा। बुआ ने वापस लौटने के बजाय उस शमशान घाट वाले रास्ते से ही गुजरने का मन बनाया। हम थोड़ा सा नीचे गए और उस जगह पहुंच गए जहां से हमें नाला क्रॉस करना था। दाहिनी तरफ वो पत्थर था जिसे टिकाकर शव जलाए जाते थे, और बाईं ओर वो मैदानी हिस्सा जहां पर शीशों का दफनाया जाता था। खैर, डर तो मुझे लग रहा था, मगर बुआ के साथ था तो हिम्मत भी अंदर थी। हमने देखा कि वहाँ उन पत्थरों के ऊपर से ही पानी बह रहा है जिनसे होकर हमें नाला पार करना है, मगर पानी उतना ज़्यादा भी नहीं था, यानी ऊपर से छूता हुआ बह रहा था। बुआ पहले आगे वाले पत्थर पर कूदी और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस पत्थर पर लाई। हम 3-4 पत्थर लांग चुके थे और नाले के एकदम बीच में थे। बरसात में नालों में पानी बहुत ज़्यादा होता था तो चौड़ी जगह पर जिधर पानी का फैलाव ज़्यादा होता है उधर पत्थरों को इस तरह से लगाया जाता है कि पार करने में परेशानी ना हो। तभी हमें एकदम से ज़ोर ज़ोर से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। जिस तरफ से आवाज़ आई थी हमने उस तरफ देखा, जिस तरह हम जा रहे थे उस तरफ से झाड़ियाँ हिलती हुई दिखाई दी। हवा चल नहीं रही थी, मगर बहुत सारी झाड़ियाँ अजीब तरीके से हिल रही थी। एक अजीब सा जानवर सा दिखा और फिर एक लड़की, मगर अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मैं घबरा कर रोने लगा और चिल्लाने लगा। बुआ ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है और आगे चलो, पर मैं आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। वो मुझे जबरन खींचने लगी, तभी मेरा पैर फिसला और मैं पानी में गिर गया और बहने लगा। मैं घबरा कर चीखने लगा और पत्थर पर खड़ी बुआ भी घबरा कर चीखने लगी, और मैं आगे बहते बहते कम से कम 50 मीटर दूरी बहा था कि तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया हो। घुप अंधेरे में पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन मैं अपने बाजुओं पर जकड़न महसूस कर सकता था। किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर पानी से निकाला और लगभग घसीटते हुए किनारे पर लाकर पटक दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतने मैंने देखा कि बुआ अंधेरे में टॉर्च लेकर मेरी तरफ दौड़ कर आ रही थी। बुआ ने मुझे उठाया और गले से लगा लिया और रोने लगी। उसके बाद वो बोली कि चल घर चलें। हम दोनों घबराते हुए और बदहवास दौड़ते हुए घर की तरफ चल पड़े।
हमने शोर इतना मचाया कि जब तक हम घर पहुंचे, हमारी आवाज़ सुनकर घर वाले और पड़ोसी भी हमारी तरफ दौड़ रहे थे। सामने मुझे पापा दिखे और मैं उनसे लिपटकर रोने लगा। बुआ तो बेहोश ही हो गई। मैंने सबको बताया कि क्या हुआ। हर कोई परेशान था और घबराया हुआ था। मुझे दिलासा दिलाया गया कि कुछ नहीं हुआ है। पैर फिसल कर मैं गिर गया और घबराहट हो गई। सब लोग बातें बना रहे थे कि क्या ज़रूरत थी बरसात के मौसम में नाले के रास्ते से आने की। सही है, बच गए वरना बह जाते दोनों। मगर मैं इस सब के बीच ये सोच रहा था कि बुआ अगर दूर से दौड़ती हुई आई तो उस घुप अंधेरे में मेरी बाँह पकड़ कर किसने मुझे बाहर निकाला। ऐसा नहीं था कि मैं जलधारा के प्रवाह से निकल कर किनारे आ गया। मैं लगभग उसी तरह से उछल कर रास्ते पर गया था जैसे कोई आदमी 6-7 साल के बच्चे को बाजू से पकड़कर एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पटक देता है। मेरी दादी ने किसी देवता का नाम लिया तो दादा ने बताया कि शमशान घाट के पास बावड़ी में पूर्वजों की मूर्तियां रखी होती है, ये उन्हीं के आशीर्वाद से बचना संभव हुआ है। मैं आज भी भूत प्रेत या ऐसी आत्मा शक्ति पर यकीन नहीं रखता, लेकिन आज भी इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि कुछ तो था। हो सकता है मेरे बाल मन का वहम हो, मगर मैं इतना छोटा भी नहीं था कि चीज़ों को समझ ना पाऊँ। खैर, उस रात जो कोई भी ताकत वहाँ थी उसने मुझे बचा लिया। शायद किस्मत ही अच्छी थी, वरना ये कहानी सुनाने के लिए मैं जिंदा भी नहीं होता। बुआ को हर कोई डांटना चाहता था, पीठ पीछे सब बोलते थे कि इसने बेवकूफ़ी करी रात में उस रास्ते से आकर, मगर किसी ने सामने से नहीं डांटा क्योंकि सब जानते थे कि वो डरी हुई है। इस घटना को आज कई साल बीत चुके हैं मगर ये मेरे जहन में आज भी ताज़ा है। ये घटना हमें हमारे अध्यापक ने बताई थी जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आइए इस घटना को मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको बताता हूँ। बात उन दिनों की है जब मेरठ के पास के एक गांव में मेरी पोस्टिंग हुई थी। 1981 से 82 तक मैं वहाँ पर अध्यापक के तौर पर रहा। नई नई नौकरी लगी थी। गांव में उन दिनों किराए के मकान नहीं मिला करते थे क्योंकि लोगों ने गुजारे लायक ही कमरे बनाए थे। बड़ी मुश्किल से मुझे गांव के आखिरी सिरे में एक घर मिला जहाँ रहने वाले शहर में शिफ्ट हो गए थे। घर पुराना था और मिट्टी का बना था, मगर रहने लायक तो था। आसपास कोई घर नहीं था और कुछ सालों से वहाँ पर कोई रहता भी नहीं था, तो आसपास के खेतों में पेड़ पौधे उगाए थे। आंगन खुला था और नीचे एक नाली बहती थी। बरसात के दिनों में नज़ारा खूबसूरत था, पर समस्या एक ही थी कि नाला जहाँ से मुड़ता था वहाँ पर शमशान घाट था। पूरे इलाके के लोग वहाँ पर आते थे जब कोई मर जाता था। घर ऊंचाई पर था तो दहलीज से ही नीचे का सब दिखता था, मगर ये कोई बड़ी बात नहीं थी। दिक्कत थी घर का वहाँ पर ना मिलना, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं रोज स्कूल से शाम को आता और सुबह चला जाता। मुझे यहाँ रहते हुए साल भर हो गया था। एक बार मेरा एक दोस्त जो कि वहीं के कॉलेज में पढ़ाता था, उसने वहाँ पर मेरे यहाँ पर आने की इच्छा जताई। वह शनिवार को आया और साथ में अपने थोड़ी शराब भी लेकर आया। रात को हमने खाया पिया और उसके बाद सो गए। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी इसलिए हम बेफिक्र होकर सो रहे थे। सुबह का वक्त था, यही कोई 6-7 बजे का, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। चूँकि मेरे क्वार्टर से बाकी लोगों के घर कम से कम 1.5 किलोमीटर थे, इसलिए मैं चौंक गया कि इतनी सुबह सुबह कौन आ गया मेरे घर पर। खिड़की से थोड़ी थोड़ी रोशनी बाहर दिख रही थी। मैंने अपने दोस्त को आलस में कहा कि भाई दरवाज़ा खोल दे। वो उठा और दरवाज़ा खोलने लगा। मैंने चादर सिर पर ओढ़ ली ताकि दरवाज़ा खोलने पर रोशनी आंखों में ना चुभे। मैंने सुना कि वो कुछ बात कर रहा था किसी से। इतने में मेरे दोस्त ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, देवेंद्र उठ। मैंने उठकर देखा और बोला कि क्या हुआ। रजाई हटाकर मैंने देखा कि दरवाजे के अंदर खड़ा मेरा दोस्त बाहर की तरफ देखते हुए हक्का बक्का सा खड़ा है। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो फिर से चिल्लाया, देवेंद्र उठ। मैंने बोला क्या हुआ, और तुरंत मैं दौड़ता हुआ दरवाजे के पास गया। मैंने देखा कि बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके सर पर कोई बाल नहीं था मगर बहुत लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी।
उसमें गेंदे के फूल की पंखुड़ियाँ फंसी हुई थी और हाथ में लाल रंग का चमकीला कपड़ा था। हाँ जी बोलो। वो बूढ़ा बोला, बेटा मेरे को बचा लो। मैंने कहा, क्या हुआ, किससे बचा लो? वो लोग जला रहे हैं मेरे को, बचा लो मेरे को बेटा। वो बूढ़ा नीचे की तरफ देखते हुए बोला। उसका ये कहना था कि मेरी नज़र नीचे नाले की तरफ गई। मैंने देखा कि वहाँ बहुत से लोग जुटे हुए हैं। साफ था कि किसी की मौत हुई थी और वे उसका अंतिम संस्कार करने आए थे। जैसे ही मैंने उसकी बात सुनी और नीचे का मंजर देखा, मेरा दिल धक से बोल गया, मेरे हाथ पांव फूल गए। क्या ये नीचे जलाए जा रहे किसी बूढ़े की आत्मा है? वहाँ के बुजुर्गों से सुना था कि जंगल में भूत रहते हैं, कुछ किस्से भी सुने थे, इसलिए डर लग गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं। इतने में मेरा दोस्त बोला कि आप हमारे पास क्यों आए हैं, किसी और के पास जाओ, हम क्या करें। इतने में उस बूढ़े ने जेब से कुछ निकाला और बोला, बाकियों के पास भी जाऊंगा, ये गोली उनके आर पार कर दूंगा। पता नहीं उसके हाथ में क्या था और कैसी गोली थी जिसे वो आर पार करने की बात कर रहा था। मैं तो सन्न था। जैसे ही उसने कहा, मेरे दोस्त ने जोर से गाली देते हुए कहा, हरामजादे कौन है तू, और दरवाजे के पास टिका कर रखा हुआ छाता उठाकर उसे मारने तोड़ा। बूढ़े ने देखा और वो पलटा और नीचे की तरफ भागने लगा। बूढ़ा आगे आगे और मेरा दोस्त गाली बकता हुआ पीछे पीछे। मैं डर रहा था लेकिन फिर भी दोस्त के पीछे दौड़ लिया। बूढ़ा बहुत तेजी से नीचे की ओर भागा और खेत खत्म होने पर शुरू होने वाले जंगलों में घुस गया। मैंने जोर से आवाज़ लगाई और अपने दोस्त को आगे जाने से रोक दिया। हम दोनों का दम फूल चुका था। हम ये देखते हुए वापस घर की तरफ लौटे कि कहीं वो बूढ़ा वापस ना आ रहा हो। इस बीच तक नीचे चिता को आग लगा दी गई थी। हम दोनों की हालत बुरी थी, एक दूसरे से हम कुछ कहने की हालत में भी नहीं थे। मैंने अपने कमरे में ताला लगाया और रास्ते से पास के गांव की तरफ चल दिया। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि ये क्या था। भगवान का शुक्रिया अदा करा कि आज तो बचा लिया। रास्ते में ही दो तीन लोग मिले जो शायद शमशान घाट की तरफ जा रहे थे। इनमें से एक वो दुकानदार भी था जिससे मैं राशन लिया करता था। मुझे हाफता और दौड़ता देख वो रुक गया। इससे पहले कि वे लोग कुछ बोलते, मैंने एक सांस में पूरी कहानी उन्हें सुनाई। मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे एक बंदा आया और उसने ऐसा कहा। हमारी बात को वे तीनों लोग बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। दुकानदार ने पूछा कि सफ़ेद रंग की दाढ़ी थी क्या, बड़ी सी, और सर पे बाल नहीं थे? जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, मन में मेरी शंका पैदा हुई कि जिस शख्स की चिता को ये लकड़ी डालने जा रहे हैं उसी की लंबी दाढ़ी रही होगी। मैंने कहा, हाँ। ये सुनकर उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगे। अब मैं और डर गया। मुझे लगा कि शायद ये भी भूत प्रेत हैं और अब ठहाका लगा रहे हैं। मैं दो कदम पीछे हट गया और भागने की तैयारी में ही था कि दुकानदार बोला, मास्टर साहब, आप भी कमाल करते हो, मास्टर होकर भूतों पर भरोसा करते हो। मैंने कुछ नहीं कहा। दुकानदार के साथ वाला बंदा बोला, अरे वो बंगल वाले गांव का एक पागल बूढ़ा है, उसके दिमाग में फ़र्क है, दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, कभी जंगल में, कभी शमशान में, तो कभी कहाँ, रोज़ नए ड्रामे करता है। रात को अपने घर पहुँचता है अपने बेटे के पास, वहाँ खाना खाता है, रात को सोता है, सुबह खाना खाता है और दिन भर फिर घूमने लगता है और अजीबोगरीब हरकत करता है। हमारी हालत पर वे तीनों लोग ठहाके लगाने लगे। ये सुनकर मुझे और मेरे दोस्त को राहत की सांस भी आई और शर्मिंदगी भी हुई। हम दोनों बहुत झेपे और शर्मिंदगी से बचने के लिए उनके साथ ही हंसने लगे। इतने पता चला कि गांव की किसी बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है जिसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसके बाद वे शमशान घाट की तरफ चल दिए और हम अपने घर की तरफ। जानता हूँ कि ये कहानी हॉरर नहीं है, मगर मेरे लिए पूरा घटनाक्रम तब तक हॉरर रहा जब तक बूढ़े की सच्चाई मुझे पता नहीं चली। वैसे बाद में वो बूढ़ा कई बार मिला, एक दो बार शाम को मेरे यहाँ आकर बैठा भी और मैंने उसे कुछ खाने पीने को भी दिया। फिर कभी उसने मेरे साथ ऐसी हरकत नहीं करी, मगर वो हवा में बातें करता रहता था और सड़क से पत्थर उठाकर जेब में रखता था। आज भी इस घटना को मैं और मेरा दोस्त
सबको खूब चाव से सुनाते हैं। आज भी अंदर तक इकट्ठा सोचकर मैं गुदगुदा जाता हूँ कि कैसे हम लोग उस टाइम पर डर गए थे। मनाली लेह मार्ग पर 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित लचुलुंगला के पास 22 मोड़ से गुजरने वाला हर वाहन चालक यहाँ के भूत मंदिर में पानी की एक बोतल ज़रूर चढ़ाता है। जो लोग पानी की बोतल नहीं चढ़ाते उनके साथ अनहोनी हो जाती है, ऐसा हम नहीं गांव के लोग बताते हैं। इस जगह पर एक युवक की आत्मा दिन रात भटकती रहती है। हिमाचल प्रदेश के मनाली लेह मार्ग में स्थित पानी मांगने वाले भूत के मंदिर के बारे में ये एक रहस्यमय जानकारी है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, ये कोई 2-3 हफ्ते पहले की। फ्राइडे के दिन हम 4 दोस्तों ने प्लान बनाया कि आज शाम को हम लेह लद्दाख घूमने निकलते हैं। दिन के 3 बजे के बाद हम सब घर निकल गए सामान पैक करने। घर से हम 6 बजे निकल गए गाड़ी में जो कि विपिन की थी। कुल्लू मनाली हाईवे का काम आजकल जोरों शोरों से चल रहा था, उसे 4-लेन बनाया जा रहा था, तो पंडो से आगे जगह जगह जाम लगा था। तो मनाली तक जो रास्ता 138 किलोमीटर है, जो कि 50 की औसत से लगभग 2.5 घंटे का सफ़र है, उसमें हमें 5 घंटे का समय लग गया। हम लोग मौज मस्ती करते हुए जा रहे थे, तभी चीकू ने कहा कि जानते हो मनाली का नाम मनाली कैसे पड़ा। विपिन ने कहा कि कैसे पड़ा, तू ही बता दे। तब चीकू ने बोला कि बहुत पहले की बात है, एक आदमी अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए कुछ दिनों के लिए पहाड़ों पर ले आता है उसे। इसी दौरान उसे उसके घर वाले फ़ोन पर पूछते थे कि मनाली क्या, इसीलिए धीरे धीरे उस हिल स्टेशन का नाम भी मनाली पड़ गया। मैंने चीकू के सर पर मार कर कहा कि व्हाट अ जोक, पुराने ज़माने में फ़ोन का आविष्कार तेरे बाप ने किया था क्या। रास्ते में माता हनोली जी का मंदिर आया, उसमें माथा टेक कर हम आगे बढ़े। मान्यता है कि माता रास्ते के हर संकट को हर लेती हैं और बिना किसी परेशानी के आपकी यात्रा सफल होती है। इसी तरह हम लोग मस्ती करते करते 11:15 बजे मनाली पहुंच गए। अब मनाली में मुश्किल से एक होटल में जगह मिली, क्योंकि वहां पर टूरिस्ट बहुत आते हैं। खाना खाने के बाद लगभग 12:30 बजे हम लोग सो गए। लेट सोए थे तो नींद भी सुबह 10 बजे ही खुली। हम फ्रेश होकर नाश्ता करके हडिम्बा माता मंदिर चले गए। मंदिर से कोई 11:15 बजे हम लोग आगे के सफ़र पर निकल गए। मनाली से आगे का सफ़र बिना किसी रुकावट के निकल गया। अटल टनल, जिसकी लंबाई कोई 9 किलोमीटर से ज़्यादा है, उसे पार करके हम लोग लेह के लिए चल रहे थे। मनाली से लेह लगभग 400 या 450 किलोमीटर है, जिसे 12 घंटे लग जाते हैं पार करने में, क्योंकि सड़क काफ़ी ज़्यादा घुमावदार है। लेह में हम लोग रात में 11:30 बजे तक पहुंच गए थे। संडे शाम तक हमें वापस ही पहुंचना था, तो हमने तय करा कि जाकर लद्दाख में रुकेंगे। रास्ते में अचानक ही गाड़ी बंद पड़ गई। सबने मिलकर एक एक करके ट्राई करा, पर गाड़ी टस से मस नहीं हुई। 12 बज गए थे और गाड़ी, जिसमें कोई प्रॉब्लम भी नज़र नहीं आ रही थी, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होने लग पड़ी। तब विपिन ने कहा कि अगर बैटरी टोटल डाउन हो गई तो हम इधर ही फंस जाएंगे, क्योंकि मनाली से ही गाड़ी की कंपनी का मैकेनिक आता है। हम चारों ने तय करा कि आसपास कोई गांव होगा, उधर रुकते भी हैं तो सुबह गाड़ी को भी देखते हैं। सबने मिलकर गाड़ी को धक्का लगाया और उसे साइड में करा। तभी कहीं से बहुत दूर से बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आई। सभी डर गए कि इतनी रात को कौन हो सकता है इस सुनसान जगह पर। थोड़ा सा पीछे आते समय कुछ घर दिखे थे, तो सब लोग उसी साइड दौड़ लगाने लगे। अब कभी ऊपर से पत्थर गिरते तो कभी जोरों से हवा चलती, कभी जोरों से हंसने की आवाज़ आती तो कभी रोने की, कभी चीखने की आवाज़ आती तो कभी कहराने की। भागते हुए हम लोग एक घर के पास पहुंच गए। सब लोग जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगे और तब अंदर से आवाज़ आई, आ रहा हूँ, अब क्या दरवाज़ा तोड़ दोगे। एक बूढ़े अंकल ने दरवाज़ा खोला ही था कि हम सब अंदर की तरफ दौड़ गए। अंकल ने पूछा, शेर पीछे पड़ा या भूत। तब तक अंकल के परिवार के बाकी सदस्य भी उठ गए थे, सब हमें ही देख रहे थे। तभी सुनील ने बड़ी मुश्किल से पानी कहा। अंकल की बहू पानी लेकर आई और पानी पीने के बाद हमने उन सबको वो सुनाया जो हमारे साथ हुआ।
अंकल का बेटा कुछ कहने ही वाला था कि अंकल ने उसे चुप रहने का इशारा करा और कहा कि खाना खाकर सो जाओ, सुबह इस बारे में बात करेंगे। उनकी बहू ने कहा कि आप लोग हाथ मुँह धो लो, तब तक खाना बना दूंगी। हमसे ना भी नहीं हुई और हाँ भी नहीं हुई। भूख जोरों से लगी थी और हमारी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर जाएं। अब हाथ पैर धोकर हम लोग अंदर गए। कोई 5 मिनट के बाद अंकल की बहू ने खिचड़ी और घी परोस दिया। खाना खाने के बाद हमें उन्होंने कमरा भी दिया सोने के लिए। सुबह अंकल जी ने आवाज़ लगाई कि उठकर नीचे आ जाओ, चाय ठंडी हो रही है। सभी उठकर बाहर आंगन में आ गए। हमने देखा कि अंकल के साथ गांव के 5 और बुजुर्ग भी चाय पी रहे थे। सबको हमने प्रणाम करा और सब ने चाय के गिलास उठाए। चाय पीते पीते मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा कि पुराने ज़माने वाला घर था और आसपास के घर एक जैसे ही बने हुए थे। मैंने अंकल से पूछा कि रात को हमारे साथ क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा कि बहुत पुरानी बात है, इसी मार्ग पर एक बार एक ट्रक लेकर ड्राइवर और उसके साथ उसका कंडक्टर था, दोनों इसी स्थान पर 22 मोड़ वाली जगह से गुजर रहे थे तो बर्फ़ गिर रही थी, तभी उनका ट्रक फिसल गया और एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर तो साफ साफ बच गया लेकिन कंडक्टर बुरी तरीके से घायल हो गया। अंकल बताते हैं कि ड्राइवर मदद लेने के लिए पास के गांव तक गया, तब तक रात हो गई थी और बर्फ भी ज़ोर से गिर रही थी, तो सुबह जब तक वो मदद लेकर आया कंडक्टर की भूख और प्यास से मौत हो गई थी। तभी दूसरे बुजुर्ग ने कहा कि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि घायल अवस्था में कंडक्टर को अकेला छोड़कर ड्राइवर वहाँ से भाग गया। कंडक्टर रात भर वहाँ पर तड़पता रहा और तभी वहाँ से गुजरे दूसरे ट्रक ड्राइवर ने तड़पते हुए कंडक्टर की मदद के लिए उसे पानी पिलाने के लिए जैसे ही वो उसके पास आया तब तक कंडक्टर मर गया। इसके बाद वो कंडक्टर भूत बन गया और वहाँ से गुजरने वाले लोगों से पानी मांगने लगा। इस तरह की आवाज़ें कई लोगों ने भी सुनी। अगर कोई अनदेखा करता तो उसके साथ आगे की यात्रा में दुर्घटना होने की संभावना रहती। इस कारण से लोग वहाँ से गुजरते समय इस भूत मंदिर पर मिनरल वाटर की बोतल भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं, फिर आगे की यात्रा इत्मीनान से करते हैं। आप लोग किसी शक्ति के कारण बच गए, नहीं तो आज तक वहाँ पर कोई नहीं बचा। तभी हमें माता हनोनी का ध्यान आया। हमने वहीं से माता को प्रणाम करा और मन ही मन उन्हें धन्यवाद करा। हम सब ने अंकल और बाकी लोगों से जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा कि साथ की दुकान से पानी की बोतल लेकर जाना और उधर डाल देना, उसके बाद आप आराम से सफ़र पर निकल जाना। हम चारों ने पानी की एक बोतल ली और जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी पानी की बोतलें पड़ी हुई थी। इसके अलावा सिगरेट के पैकेट्स और चिप्स कुरकुरे के पैकेट भी बहुत पड़े थे। हमने भी अपनी पानी की बोतल उधर रखी और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और गाड़ी की तरफ चल दिए जो कि वहाँ से 15-20 कदम ही दूर थी। गाड़ी अनलॉक करके जैसे ही विपिन ने सेल्फ मारा गाड़ी स्टार्ट हो गई, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। हमने एक बार फिर से माता को धन्यवाद करा और गाड़ी घुमाकर उधर से वापस हो लिए। अगर आप भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते हैं तो यकीन मानिए यहाँ की बात जानकर आप यकीन करने लगेंगे, क्योंकि हजारों लोग यहाँ पर गुजरते समय भूत को मिनरल वाटर चढ़ाते हैं, इसीलिए क्योंकि आगे की यात्रा मंगलमय हो। यहाँ के रहने वाले गांव के लोग ये बात बताते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले यात्री अपनी गाड़ी से उतरकर सबसे पहले भूत के इस जगह पर पानी की बोतल चढ़ाते हैं और फिर ही आगे की यात्रा करते हैं। तब से ही ये परंपरा चली आ रही है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की घटना। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। स्टोरीज आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।